छत्तीस को मैदान में, छत्तीस को मैदान में, माताजी अब की बार, माताजी अब की बार, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आनंद पाल का नाम रहेगा, जोर से बोलो, आनंद पाल का नाम रहेगा, संघर्ष हमारा नारा है। हेलो, आप सभी विराजो को हमारा राम महाराज की जय, और बड़ा ने प्रणाम, छोटा ने आशीर्वाद, और जो कमल का फूल हमारी भूल। और दूसरी बात यह है, दूसरी बात यह है कि जो भी आप खड़े होने चाहो, कोई भी निर्णय लेने चाहो, तो आपको तन मन और धन से मैं साथ हूँ आपके, और जो भी आपकी इच्छा है तो आप पर ये बीजेपी इन्हें दूर कर दीजो, और फूल हमारी भूल। सबको नमस्कार, सबने धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद। आप लोग हमारे लिए दुख मिटाने पधारे हो, तो आप सबको धन्यवाद। आप जो भी निर्णय लो मैं मंजूर है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, माँ के समान में, माँ के समान में, माँ के समान में। जो लोग आप सब पधारा था वो शपथ दी थी, वो आज भी लेनी है कमल का फूल हमारी भूल, और 7 दिसंबर तक आप वो फूल है तो क्योंकि भूल कर दीजो, नहीं तो निर्मल कंवर, निर्मल कंवर का नाम लेना भूल जाते। हमारी भूल आप लोगों को, राजस्थान की सरकार को, तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेके इस मैदान को छोड़ना है, और आपके अलावा भी आपको पुरजोर कोशिश करनी है कि जब तक राजस्थान की सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, भाई आनंद पाल सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं मिलेगी। अगर भाई को सच्ची श्रद्धांजलि आप लोग देना चाहते हैं तो इस माँ की एक पुकार को आपको सुनना होगा, और जो हमारी माँ ने कहा है कि कमल का फूल हमारी भूल, जिस सरकार को हमने बनाया था उस सरकार को हम तबाह करने के ऊपर तुले हुए हैं, क्योंकि इस सरकार ने हमारे भाइयों के साथ जो अत्याचार किया है, जिन भाइयों के साथ सावरात प्रकरण के अंदर उस तानाशाही सरकार ने जो थानों के अंदर बाल नोचे थे, इस माँ के घर का पानी बंद कर दिया था, इस माँ के घर पर बर्फ नहीं ले जाना दिया था, इतना अत्याचार किया था, और उस अत्याचार के खिलाफ अगर आप लड़ना चाहते हैं तो ये सही वक्त है। आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराकर आपको इस मां को सच्चा अगर जवाब देना है, तो आने वाले चुनाव के अंदर जब रिजल्ट आए तो ये लगना चाहिए कि राजस्थान से इस सरकार की विदाई हो चुकी है और नई सरकार बन चुकी है। यही निवेदन करने के लिए निर्मल कंवर जी, माता जी आपके सामने पधारे हैं, और कमल का फूल हमारी भूल, कमल का फूल हमारी भूल, जब तक सूरज चांद रहेगा, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जब तक सूरज चांद रहेगा आनंद पाल का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा आनंद तेरा नाम रहेगा, वसुंधरा किरणों मान ले। आज लाडनों की धरती पे एक चिंतन शिविर में 36 कौम के मानुभाव मंच पे विराजमान, माता जी निर्मल कंवर जी, आनंद पाल सिंह जी की धर्मपत्नी श्रीमती राज कंवर जी मंच पे विराजमान, 36 कौमों के नेता सबको नमन, और पंडाल में
जो सभी समाज के शहीदों की तस्वीर लग रही है उनके चरणों में नमन और शहीद आनंदपाल सिंह जी के चरणों में नमन। भाइयों, ये दर्द भरी एक माँ की और एक पत्नी की और एक बेटी की पुकार सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, ये हमारी मीटिंग का मेन उद्देश्य है। आज पूरे राजस्थान में या यूं कहूं कि पूरे भारत में इस चीज का डिस्कशन होता है कि ऐसी क्या सरकार छुपा रही थी जिसने हमारे भाई आनंदपाल को धोखे से मारा। अरे मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से, और जो इस निर्मम हत्याकांड में जो शामिल थे उन मंत्रियों से और बीजेपी के नेताओं से, कि अगर उनके अंदर थोड़ी बहुत शर्म बाकी थी या किसी की माँ ने दूध पिलाया था तो एक दफे भाई आनंदपाल के सामने खड़े होकर उनका मुकाबला करते। धोखे से एक शेर को मारकर शाबाशी लेने के लिए उन्होंने इतना बड़ा हत्याकांड किया, लेकिन 36 कौमों का भाई हमारा मसीहा जिसने सभी समाज की कन्याओं का कन्यादान किया, बूढ़े बुजुर्गों का हित के अंदर काम किए, जो पीड़ित समाज थी, दबी कुचली समाज, जिनको लोग दबे कुचले रखना चाहते थे, उन सारे समाजों को ऊपर उठाया भाई आनंदपाल सिंह ने, लोगों को सम्मान के साथ जीना सिखाया भाई आनंदपाल ने। यही बात कुछ रसूखदार नेताओं को चुभ गई और उन्होंने ये षड्यंत्र रचा। लेकिन आज इस लाडनू की धरती से, वैसे तो रावणा राजपूत समाज की पूरे राजस्थान में 1-2 लाख रैलियां हो चुकी है, और ये निर्णय लिया गया है कि भाई आनंदपाल सिंह जी का बदला हम लेकर रहेंगे। लेकिन सबसे खुशी की बात आज यहाँ लाडनू में 36 कौमों का जो साथ मिला है माता जी को, अगर आप लोग निर्णय लेंगे और चुनाव के मैदान में माता जी का साथ अगर आप लोग दोगे तो मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि आइंदा से धोखेबाज सरकार कभी भी आप लोगों के किसी के परिवार को ऐसे धोखे से नहीं मार सकेगी। दुखी आत्मा जो होती है वही दुखी आदमी का साथ देती है। माता जी की आंख का आंसू नहीं सूखता है। हमारे बाबीसा की जिंदगी जो बर्बाद हो गई है, इन्होंने दुख सुख को करीब से देखा है। सावराज में भाइयों आप लोग नहीं थे, बहन योगिता हमारी छोटी बच्ची है, उसे पुलिस वालों से बदतमीजी से पेश आए थे। माता जी से धक्का मुक्की कर रहे थे क्योंकि वहां से पब्लिक को हटा दिया गया। लेकिन हम अब उनको एक चैलेंज करना चाहते हैं कि अगर किसी की माँ ने दूध पिलाया है तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी की एक भी सीट ला करके बताए। कमल का फूल हमारी भूल, ये सावरात का नारा है, ये माता जी निर्मल कंवर का नारा है। और भाइयों और बहनों और माताओं विशेषकर इस माता जी के आंसू हम तभी पहुंच पाएंगे, हमें हमारे बच्चों की, पूर्वजों की और हमारे धर्म की सबकी सौगंध है, अगर इस बार बीजेपी को सफाया नहीं किया तो आप लोग खून के आंसू रहोगे और हमें कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। हमारी छोटी बहन चिन्नू आज विदेश में बैठ करके सब कुछ चीजें बर्दाश्त कर रही है। हम उन्हें यहाँ लाना चाहते हैं, लेकिन ये अत्यारी समाज रोड़े अटका रही है। अरे वो दिन दूर नहीं इस समाज को जब इतना गुस्सा आ गया है 36 कौमों को, तो वसुंधरा को और उसकी बीजेपी सरकार को उखाड़ देंगे और हम नई सरकार बनाएंगे जो हमारे भाई को न्याय दिलाएगी, हमारे माता जी की भूमिका तय करेगी। आप 36 कौमों का दर्द होगा और प्रदेश में भूमिका तय करेगी, तो आप लोग इनका हाथ उठा करके समर्थन। और आज माता जी जो आदेश देंगे, हम सब बच्चे तन मन धन से चुनाव तक ये जब भी आदेश देंगे, जिस जगह बुलाएंगे, सर गिनाने से लेके और सर कटाने तक तैयार रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, आनंदपाल।